घर में खड़ा हूँ जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक कहानी जो है खौफनाक मंजर पेश कर रही है। क्या कसूर में एक जैनम का ही मर्डर था? क्या पाकिस्तान के दूसरे बच्चों के लिए कुछ नहीं था? क्या मुल्क में ऐसे ही जराइम होते रहेंगे कि अवाम जो है चीखों पुकार से रोती परेशानी रहेगी और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा? आज से मैं कुछ माह पहले पीछे चला जाऊं तो 1 फरवरी को एक ऐसा ही बुरे वाला में एक खौफनाक वाकया पेश आएगा कि एक छोटा सा 7 साल का बच्चा जो था वो अपने घर से पढ़ने के लिए गया तो रास्ते में उसको वरगला के कुछ मुलजम किस्म के क्रिमिनल किस्म के लोग ले गए और उसके साथ ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद उसको एक कुएं में फेंक के चले गए और किसी को पता ना चला और उसकी माँ जो है चीखों पुकार करते हुए वो दरवाजे की तरफ देखती रही कि कब मेरा बच्चा पढ़ के वापस आएगा। इंतजामिया जो है जो इस सिलसिले में क्या कुछ किया है क्या नहीं किया वो भी इंतहाई तौर पर अफसोसनाक पहलू की बात मैं बताता चलूँ कि आज वही मुलजम जो है गलियों में चंद माह के बाद ही दंदनाता फिर रहा है, सोशल मीडिया पर धमकियाँ लगा रहा है और लोगों को दिखाता फिर रहा है कि ऐसे वाकया से क्या हो जाता है। क्या मुल्क के जो हुक्मरान हैं यही कुछ करते रहेंगे कि किसी को इंसाफ नहीं देंगे और इंतजामिया जो है इसी तरह बेहसी शिकार रहेगी? क्यों? क्या ऐसे वाकयात के लिए हमारा मुल्क जो है वो यही है? क्या हमें इंसाफ नहीं मिल सकता? मैं बच्चे की वालदा से आपकी बात करवाता हूं कि वो क्या कहना चाहेंगी। नहीं, मेरा बच्चा ट्यूशन पढ़ने गया, वो कातिल भी उठे ही पढ़दा सी, वो कातिल मेरे बच्चे ने वरगला के ले गया, पूरी वापस ही नहीं आया मेरा बच्चा, वापस ही नहीं आया। तीसरे दिन मेरा बच्चा पौधों के आ गया। पुलिस ने उनको पकड़ लिया, पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया पुलिस ने, वकीला ने, किसी ने कुछ भी नहीं किया, सारे ने रिश्वत खा ली, किसी ने इंसाफ भी नहीं एक मां ने दिता, किसी ने मेरे बच्चे ने इंसाफ भी नहीं दिता। वो 2-4 महीने बाद कातिल बाहर गलियां फिरदा वा, वो सानू धमकियां भी लांदा वा, एक बच्चा तो मेरा उस कातिल ने कत्ल कर दिता। बाकी बच्चों के बारे में की सोचा, सानू डर आंदा वा, खौफ आ, मैं अपने बच्चों को कित्थे लैके जाऊं, दर बदर धक्के खांदी फिरदी बच्चे ने। कातल नूं फांसी लगनी चाहिए, उन्हें फांसी किसी ने लाई ना, उन्हें कैद भी ना हुई, उन्हें कुछ भी ना होया, ना एक मां दीआं बदवां लगियां, ना पुलिस ने कुछ किया, ना वकीलां ने किया, ना अदालत ने किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने इंसाफ दिता ही नहीं। उन्हें फांसी लगनी चाहिए, वो नहीं गलियां च फिरना चाहिएगा। वो 2-4 महीने बाद अपनी माँ के कोल आ गया, मेरा बच्चा कितों आऊगा। ये जो उनका कहना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उस कातिल को भी फांसी लगना चाहिए ताकि उसको भी पता चले कि ऐसे जराइम कैसे होते हैं, उसकी माँ को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि ऐसे जराइम के लिए क्यों तरबियत की थी या उसकी तरबियत में क्यों कमी रह गई थी और ये मुल्क जो है क्यों ऐसी परेशानियों में मुबतला है। अब इसमें एक और गौर तलब बात कर रहे हैं तो जो ये बच्चा जो था अली जो है इसका बाप जो है वो दियार गैर में रोज़ी कमाने के सिलसिले में मजदूरी के सिलसिले में अरसा 4-5 साल से गया हुआ था और उधर से बेचारा रोज़ी के सिलसिले में चक्कर काट रहा था, इधर जो है उसका घर जो है वो सारे का सारा उजड़ गया था। मेरी भी और ये अहले खाना की भी ये इल्तिजा है हुकूमत वक्त से कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जी।